हाय दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं गुजरात की फेमस स्ट्रीट स्टाइल तवा भेल। इस झटपट सी रेसिपी के लिए एक पैन में बटर ले लें। अब बटर के ऊपर लहसुन की लाल चटनी डालें। अब लाल चटनी के बाद हरी चटनी डालें। अब हरी चटनी के बाद इसमें इमली की मीठी चटनी डालें। चटनियों की रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। अब इसमें उबले कटे आलू डालें। आलू के बाद इसमें ढेर सारे मूंगफली डालें। मूंगफली के बाद इसमें चने डालें। अब इसमें मसाला चना दाल डालें। अब चना दाल डालने के बाद इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करें। अब हमारे मसाले में कटा हुआ प्याज डालें। प्याज डालने के बाद कटा हुआ टमाटर डालकर सबको अच्छे से मिक्स करें। जब तक हमारा मसाला भुन रहा है, तब तक हम भेल की तैयारी कर लेते हैं। आज हम ये भेल बीकानो के भेलपुरी मिक्सचर के साथ बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो नॉर्मल भेल से भी बना सकते हैं। बीकानो के मिक्सचर के साथ ये बहुत ही बढ़िया बनेगी। अब भेल में पूरी तोड़ कर डालें। अब इसे साइड में रखकर मसालों की तरफ चलते हैं। अब हमारे भुने हुए मसाले में हम नमक डाल लेंगे। नमक के बाद इसमें चटपटा चाट मसाला भी डाल लें। सब मसाले अच्छे से भुन जाने के बाद इसमें ढेर सारा धनिया डालें। अब धनिए को भी सारे मसालों के साथ अच्छे से भून लें। मसाले के अच्छे से भुन जाने के बाद अब इसमें फिर से 2 चम्मच इमली की चटनी डालें। मीठी चटनी डालने से इसमें गीलापन आ जाएगा। अब हमारा मसाला तैयार है, तो इसे भेल में डाल लें। मसाला डालने के बाद इसे भेलपुरी वाले भैया जैसे एकदम अच्छे से मिला लें। एंड में हमने मीठी चटनी डाली थी। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप तीखी चटनी भी डाल सकते हैं। अब इसमें नींबू निचोड़ कर इसमें ढेर सारी सेव भुजिया डालें। इसे एक फाइनल बार मिक्स कर लीजिए। इसी के साथ आपकी गुजरात की स्ट्रीट स्टाइल तवा भेल तैयार है। अभी हमारी भेल को सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। बढ़िया लग रही है ना हमारी भेल। अब हमारी भेल पर ढेर सारी सेव भुजिया डालें। सेव छिड़कने के बाद इसमें ढेर सारी पूरी डालें। आखिर में भेल पर ढेर सारा धनिया डालें और चाट मसाला छिड़क लें। दोस्तों, इस झटपट 5 मिनट की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही यमी लगती है। मैं तो इस रेसिपी को एंजॉय कर रहा हूँ। आप भी मुझे कमेंट में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसे ही मजेदार रेसिपीज के लिए द कॉमन मैन किचन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।